हेलो फ्रेंड्स, तो भाई अपनी क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास नहीं देखी आपने? देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी मैंने यार, आपके काम आएगी। खैर, अब आगे जो क्लास की बात हो रही है हमारी ड्राइविंग से रिलेटेड, कल एक बात बताई थी, अब आज एक दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपने भी देखा होगा। तो देखो, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर होने के लिए एक अच्छी खासी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगती है। उसके डिजाइन से लेके क्वालिटी, टेस्टिंग, हर चीज सब कुछ अप्रूव होके ही वो प्रोडक्ट आपका मार्केट में आता है। तो हर मामले में सारी इंजीनियर्स की टीम लगी होती है यार, अच्छी खासी टीम के साथ ही वो प्रोडक्ट पास होता है, फिर आपके चलाने लायक होता है या यूज करने लायक होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मॉडिफिकेशन का है। कभी भी गाड़ी में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। देखो, स्टिकर्स वगैरह तक तो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, मगर बॉडी के वेट से रिलेटेड कभी भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराओ। मेरे सामने की बात है, मैं एक लॉन्ग ट्रिप पे जब जा रहा था केदारनाथ, 1800 किलोमीटर प्लस की ट्रिप थी, तो भाई रास्ते में सारे राइडर्स भी दिखते ही हैं, सब गैजेट्स वगैरह लगा के चलते हैं। तो देखो, गैजेट्स में तो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उनकी मर्जी है। लेकिन जितनी भी टूरिंग या एडवेंचर बाइक्स होती है उनकी एक तो हाइट बहुत होती है, तो अगर पैर नहीं पहुंच रहे वो तो एक अलग केस हो गया, क्योंकि पहाड़ों पे जाओगे थोड़ा बहुत अप डाउन मिल गया तो पैर हवा में और आप डिसबैलेंस हो सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उन्होंने देखो एक पीछे कैरियर लगाया हुआ था वेल्ड करवा के, कि मतलब सामान को यानी कि लगेज को रखने के लिए, तो वो मॉडिफिकेशन बड़ा गलत होता है यार। अब देखो, उन्होंने एक साइड पे तो ज़्यादा सामान रखा हुआ था और एक साइड पे कुछ भी नहीं, तो हुआ क्या, उसकी एक गाड़ी सामने से कोई आ रही होगी तो डिसबैलेंस हो गया वो उसी की वजह से, क्योंकि पीछे की साइड वेट ज़्यादा हो गया और वो भी एक साइड में ज़्यादा था, तो इसलिए वो लुढ़क गई गाड़ी डिवाइडर पे ही, तो इसलिए वो गाड़ी डिवाइडर पे ही लुढ़क गई। मेरे सामने की बात है, मैं तो पीछे से आ रहा था, तो मैंने तब देखा कि यार इसने तो वैसे ही वेट्स के साथ खेल किया हुआ है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, सेफ रहना सबसे बड़ी बात है यार। अब देखो, आप लोग भी ट्रैवल का बहुत शौक रखते होगे, लंबे लंबे टूर पे जाते होगे, सब आजकल जा रहे हैं यार, तो रास्ते भी खतरनाक होते हैं, तो इसलिए जो सिंपल सी आपकी गाड़ी है उसमें हल्का सा भी वेट रेशियो चेंज मत करो, ड्राइविंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मान लो आपने एक पैर में एक जूता पहना हुआ है नॉर्मल सा और दूसरे पैर में एक हील वाला जूता पहन लो, फिर देखना आपकी चाल ढाल बिल्कुल बदल जाएगी। क्यों, 19-20 का भी फर्क हो जाएगा ना, अगर आपके रेशियो में जो आपने पहना है सोचो उसमें भी ऐसा हो रहा है तो गाड़ी में कितना असर होता है। और ये चेंजेस आते हैं यार, ड्राइविंग बदल जाती है बिल्कुल। देखो, एक चीज़ मैंने और एक्सपीरियंस करी थी, साइकिलिंग करते समय मैंने एक बार नारियल पानी खरीदे 3 और एक साइड पे मतलब हैंडल के एक साइड पे 2 लगा लिए पन्नी में थे और एक साइड पे 1, तो ऑब्वियसली जो 2 हैं वो तो भाई भारी होता है नारियल पानी तो जो मिलता है बाहर, तो एक साइड पे 2 थे, एक साइड पे 1 था, तो मेरा जो हैंडल था वो एक साइड की तरफ भाग रहा था, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा क्योंकि वेट एक तरफ है और हैंडल से ही कंट्रोल हो रही गाड़ी, तो वेट का बहुत बड़ा रोल होता है यार। तो सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो सामान सबसे कम रखो, जितना अर्जेंट हो वही रखो, अननेसेसरी सामान रखना भी बहुत ख़राब है, उससे भी बॉडी वेट पर बहुत असर पड़ता है गाड़ी के। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, कम सामान यात्रा आसान, तो मैं उसको बहुत अच्छा, मेरे को ये लगता है यार ये लाइन, तो मिनिमम सामान रखो, अननेसेसरी सामान आपका यूज़ ही नहीं होना यार, कहीं भी जाओगे आपको बाद में लगेगा यार ये मैं बेकार में ले गया था, इस्तेमाल तो किया नहीं, तो उसकी अच्छी सी चेकलिस्ट बनानी चाहिए हमेशा। तो भाई पॉइंट ये है कि गाड़ी में मॉडिफिकेशन मत कराओ, जो सिंपल बेसिक गाड़ी बन के आई है मैन्युफैक्चर होके, उसको पूरे मेहनत से बनाया गया यार, एक अच्छी खासी प्रोडक्शन फैसिलिटी से बन के आई है, उसको ही आप चलाओ, कोई एक्स्ट्रा वो ना कराओ, सबसे बेस्ट रहेगी, सिंपल और ईजी। तो बहुत हो गया ज्ञान यार, देखो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और आपका अगर बेनिफिट हो जाए तो उसमें बुरा क्या है। देखो यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ताकि किसी और का बेनिफिट हो जाए, उसको कोई नुकसान ना हो, तो सबसे बेस्ट होता है। हालांकि मैं बॉडी वेट के हिसाब से तो कभी नहीं गिरा, वो तो मैंने अपने सामने देखा, मगर फिर भी गाड़ी जो चलाता रहता है उसको थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस तो होते ही हैं यार, कि किस तरीके से कहाँ पे कैसे चलाना है, वो सब कभी फिर और बातें करेंगे। तो चलो भाई, होपफुली आपको भी एक ज्ञान की बात अच्छी लगी होगी। अब देखो, कहीं जाने का प्लान बनता है कि नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता यार कि अब अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, क्योंकि देखो ट्रैवल रोज तो यार सिंपली हो नहीं सकता, तो अब कुछ ना कुछ तो वीडियो बनाना ही है, कुछ बोलना ही है, तो अब भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो, अब जब कभी ट्रैवल करूँगा तो फिर वो वीडियो डालेंगे। अब वैसे भी टाइम हो गया, अब विंटर्स ख़त्म हो चुका है यार बिल्कुल,
अब अच्छा मौसम है, गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो लोग जाएंगे कहाँ, पहाड़ों की तरफ। तो भाई मैं भी अपने होम टाउन पे चक्कर मारने जाऊंगा यार। अब देखो कहाँ जाना होता है, तो बहुत बड़ा है उत्तराखंड, तो अब कहाँ की ट्रिप लगती है वो मुझे खुद नहीं पता। मैं तो सुबह उठ के सोचता हूँ बस आज जाना है, तो निकल पड़ता हूँ भाई, कोई प्लानिंग नहीं कुछ नहीं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, होपफुली एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा। ध्यान रखना भाई जो बोला है मैंने, और खुश रहो, मज़े करो, ट्रैवल करते रहो, एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय, टाटा।